वेलकम टू बरियाल गनाश। आज आप सभी को बरियाल की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज आपके लिए मैं नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कराची हलवा, बॉम्बे हलवा। और मैं आज देखिए ये हम बनाएंगे बहुत अच्छे से, और बहुत ही थोड़ा टाइम जाएगा उसमें, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए हमारे पास में कुछ सामान है, और सबसे पहले तो ये कॉर्नफ्लोर, ये 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर है और इसको मैंने इस मेजरिंग से ले लिया है, पूरा एक कप भर के है और ये 100 ग्राम है। इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं ये हलवा बनाने में कि इसकी मेजरिंग बहुत बराबर है। और ये एक कप पूरा ये कॉर्नफ्लोर पाउडर है, और ये मेरे पास में 2 कप शक्कर है, आप 2 कप डालिए। मैं इसमें 2.25 कप भी पड़ती है, यानी 2¼ ऐसा, लेकिन मैंने ऐसे ये 2 कप लिए हैं। इस तरीके से मैंने 2 कप शक्कर ले लिए हैं, और ये 7 से 8 घी ले लिया चम्मच। ये नींबू है, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, थोड़े काजू हैं, थोड़े मगज के बीज हैं, और ये वेनिला एसेंस है। और ये एक बेकिंग ट्रे है जिसको मैंने ऑयल लगा दिया, ग्रीस कर दिया है अच्छे से। और कभी भी ये कराची हलवा बनता है ना, तो इसके अंदर ऑयल ही लगाने का, घी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि घी लगाने से वो ठंडा होने के बाद में चिपकता है और वो दिखता है, एकदम जम जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल में सारा कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर, और उसको पानी डाल के हम लोग इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये मैं मेजर कप से ही डाल रही हूँ, इसमें मैं पानी डालूंगी धीमे धीमे करके, और अच्छे से मिलाना है इसे। और मिलाने के बाद में इसको, इसमें लम्स ना पड़े, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है, तो इसके अंदर मैं 3 कप पानी मिलाऊंगी। ये 3 कप पानी मिलाना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से घुल गया है, और ये क्या होता है, कॉर्नफ्लोर नीचे जाके जम जाता है, बैठ जाता है, तो इसको चलाते रहना है थोड़ा टाइम। इसके अंदर देखिए कुछ भी लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे से ये मिल गया है पानी में। चलिए अभी हम लोग गैस पे सबसे पहले आगे की तैयारी करते हैं। अब ये मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर, और ये स्लो फ्लेम है हमारी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, घी डालने के बाद में ये थोड़े से जो ड्राई फ्रूट है उनको मैं थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा अच्छी सी खुशबू हो जाएगी इसमें, क्रंच हो जाएंगे तो ये अच्छे लगेंगे खाने में, कच्चापन नहीं रहेगा। ये देखिए ये हल्के से भून गए, रोस्ट हो गए ये थोड़े, अब इनको मैं निकाल लूंगी एक बर्तन में। अब ये मैंने पैन, खाली पैन है, ये देखिए गैस को ऑन कर दिया है। इसके अंदर मैं ये शक्कर 2 कप डाल दूंगी सारी, फिर इसके बाद में इसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी। और ऐसा नहीं है कि इसे मुझे चाशनी बनाना है या 1 तार 2 तार, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको शक्कर को मेल्ट कर देना है। ये शक्कर गल जाएगी हमारी, इसको हिलाते रहना है, बस पानी में डिजोल्व हो जाएगी।
देखिए शक्कर पूरी गल गई है हमारी। अब इसके अंदर में नींबू का जूस जो है हाफ नींबू रस इसका इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये शुगर सिरप बन गया है हमारा, अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब मैं गैस को मीडियम स्लो करूंगी और फिर बाद में ये कॉर्नफ्लावर का जो घोल है उसको मैं डालना शुरू करूंगी इसके अंदर। धीमे धीमे करके डालेंगे और चलाते रहेंगे, इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो हमारे इसमें लम्स हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसको बराबर हिलाते रहना है और इस तरीके से चलाते रहना है। ये देखिए मैं किस तरीके से इसको हिला रही हूँ कंटिन्यू, और गैस को आप फ्लेम को फास्ट कर देना है और इसी तरीके से हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर से बहुत जल्दी ही इसमें लम्स आ जाते हैं। गैस को फास्ट रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है कि आप गैस की जो फ्लेम होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपने कुछ भी इसमें या तो स्लो कर दिया या फास्ट कर दिया। तो हलवे में जो एक छुई जो होता है चिंगम के जैसा रबड़ी वो बनना चाहिए। मैं इसको इसी तरीके से हिलाती रहूंगी, हाथ को रोकना नहीं है, चलाते रहना है। ये देखिए इसका कलर कितना एकदम ट्रांसपेरेंट होने लगा है, बदल गया कलर। मैं बराबर इसको स्टर कर रही हूँ, एक मिनट के लिए भी नहीं हाथ रोके हैं अपने। अब थोड़ा मैं गैस को मीडियम स्लो पे कर दूंगी क्योंकि अब ये गाढ़ा होने लगा है, इसकी थिकनेस थोड़ी इस तरीके से होने लगी है। कंटिन्यू चलाना है अपने को, जरा भी हाथों को नहीं रोकना है। अगर हमने हाथ रोक दिया तो ये काफी लम्स पड़ जाएंगे और खराब हो जाएगा। इसको मैं स्लो पे कब से पका रही थी, एकदम स्लो पे था और बराबर इसको चला रही थी। ये देखिए इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम, ये यहाँ से इस तरीके से दिख रहा है आपको, बता रहे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी को। अब एक एक करके एक एक चम्मच घी इसमें धीमे धीमे डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। और थोड़ा आप गैस को थोड़ा फास्ट करेंगे, मीडियम टू फास्ट करेंगे और इसे चलाते जाएंगे। थोड़ा और गैस को फास्ट किया। जब स्टार्टिंग में हम लोग उसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं पानी के अंदर चाशनी के अंदर, तब हमको स्लो पे गैस रख के कंटिन्यू मिलाना है। अब इस टाइम पे इसको गैस को थोड़ा सा फास्ट करके और घी को डाल के और चलाते रहना है, ये थिक होता जाएगा। इसको एक घंटा पूरा 1 आवर जाता है बनाने के लिए। घी डालने के बाद में इसमें 2 से 3 मिनट तक के इसी तरीके से इसको हिलाते रहना है, घी को पूरी तरीके से मिलाते रहना है। दो तीन मिनट हो गए हैं, वापस से इसमें घी डालेंगे 1 टीस्पून और फिर चलाते रहना है। फिर घी डालेंगे इसमें, फिर 2-3 मिनट तक इसी तरीके से हिलाते रहेंगे।
7 से 8 चम्मच तक घी इसमें डालते रहना है और हिलाते रहना है। ये देखिए पत्ते पत्ते किस तरीके से हो गया, ये अभी भी ये काफी पकेगा। इसी तरीके से हाथ चलाते रहना है। अब इसके अंदर मैं फिर से घी डाल रही हूँ और ये घी एकदम अच्छे से उसमें मिल जाता है। आपको दिखा रही हूँ, मैंने वीडियो को कट नहीं किया इसके लिए कि आप कंटिन्यू देखें इसको कि कितना इसको चलाना पड़ता है। ये देखिए इसको मैं कंटिन्यू हिला रही हूँ कप से, इसी तरीके से स्टर कर रही हूँ। मेरे को हाफ एन आवर हो गया है इसी तरीके से इसको स्टर करते हुए। थोड़े पेशेंस रखना पड़ते हैं बनाने के लिए इसको, तो ये अच्छा बनेगा। आप देखिए किस तरीके से ये पक रहा है। इसके अंदर मैंने सारा घी डाल दिया है अभी तक के, और ये अब थोड़ा जो लास्ट स्पून है ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। सब पूरा पड़ गया है जितना भी था। 8 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिए हैं। ये देखिए अभी भी मैं इस तरीके से इसको स्टोर करे जा रही हूँ कंटिन्यू। घी डाल के इसी तरीके से इसको चलाते रहना है। अभी भी देखिए ये इस तरीके से है, ये और गाढ़ा होगा ठीक होगा, हमें चलाते रहना है। ये देखिए अब ये किस तरीके से हो गया, और इसका कलर भी देखिए आप, और ये किस तरीके से रबर के जैसा हो गया, एकदम एकदम छुई हो गया है। और ये जब ठंडा होएगा, ठंडा होने के बाद में एकदम रबर के जैसे ही हो जाएगा इसको। और ये घी भी इसने सब छोड़ दिया है। अब मैं फ्लेम को एकदम स्लो कर दूंगी, मैं इसको कंटिन्यू हिला रही हूँ, एक सेकंड भी मेरा हाथ नहीं रुका है। मैंने थोड़ा सा देखिए इसको थोड़ा सा मैंने निकाला था कि किस तरीके से गम के जैसा हो गया है। देखिए एकदम रबर के जैसा हो गया इस तरीके से। अब ये जमने के बाद में एकदम रबरी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से इसके थिकनेस हो गई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसकी लेयर जा रही है, इसका फ्लो देखिए। अब मैं इसके अंदर इस पॉइंट में ऐड करूंगी ऑरेंज कलर, आप जो भी कलर डालना चाहे डालिए, ग्रीन ऑरेंज, इसमें फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं जैसे पिसी हुई इलायची है, केवड़ा है और पाइनएप्पल फ्लेवर है, आप जो चाहें वो ऐड कीजिए। इसमें ये कलर मिला दिया है मैंने फूड कलर। अब इसके अंदर ये मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी। इसके अंदर ये मगज के बीज बहुत डाले जाते हैं, काजू मगज के बीज, आपकी मर्जी है, आप बादाम डालिए, जो भी डालना चाहते हैं वो डालिए। और हम आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए। आप इसके अंदर अगर आप येलो कलर का बनाएं तो उसमें पाइनएप्पल फ्लेवर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ कुछ बूंदें। गैस को मैंने बंद कर दिया, अब इसको मैं ट्रे में सेट कर दूंगी। ट्रे मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखी है। चलिए हम लोग उसको जमा देते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये अच्छे से हो गया माशाल्लाह से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
ये देखिए काफी अच्छा बना है। अब ये ट्रे में मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था, तेल लगा के रखा था। ये देखिए सब घी उसने छोड़ दिया है हलवे ने, और ये काफी आसानी से अंदर चला गया। स्पैचुला से सब पूरा हलवा मैं इसमें छुड़ा दूंगी, और ये अपने आपे से फ्लो से अंदर चला गया।